हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पे जो है VMware ESXi होस्ट इंस्टॉलेशन। तो मेरे पास जो सिस्टम है उसमें मैंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करके रखा है और उसी पे मैं आपको ESXi होस्ट इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम कॉन्फ़िगर करके रखा है VMware ESXi 7 करके, तो मैं उसको अभी कर रहा हूँ ऑन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसको ऑन किया है उसने ऑटोमेटिक जो मैंने ISO फाइल उसमें सेट करके रखी थी बूटिंग के लिए, इंस्टॉलेशन एज ए इंस्टॉलेशन मीडिया मैंने जो ISO फाइल सेट करके रखी थी उसे वो बूट होना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब वो जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो लोडिंग हो रहा है इसमें। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सामने दिखा रहा है कि आपका VMware ESXi वर्जन कौन सा है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपकी हार्डवेयर की रैम कितनी है, ये सब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। रिलीज वर्जन, बिल्ड वर्जन जो है, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे सामने आपको। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू VMware ESXi 7.0 इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है एंटर एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, आपको यहाँ पे F11 प्रेस कर देना है और इसको करना है एक्सेप्ट और कंटिन्यू। एंड उसके बाद यहाँ पे वो आपका सिस्टम जो है आपके फिजिकल हार्डवेयर में जितने भी डिवाइसेस है अटैच किए हुए उसको स्कैन कर रहे हैं और इसको स्कैन होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क अटैच है, तो अभी मेरे केस में मैंने इसको VMware सॉफ्टवेयर पे कॉन्फ़िगर करा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको VMware लोकेशन जो है VMware दिखा रहा है और मैंने इसको 142 GB साइज़ असाइन करी है। सो यहाँ पे कैपेसिटी जो है 142 GB दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर एंड कंटिन्यू। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कीबोर्ड लेआउट, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख के एंटर प्रेस करके कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा एंटर अ रूट पासवर्ड। तो दोस्तों ये पासवर्ड आप केयरफुली डाल देना क्योंकि ये जो पासवर्ड है यही पासवर्ड बाद में आपको काम आएगा आप जब आपका सर्वर एक्सेस करोगे थ्रू ब्राउज़र, और एंटर करके कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्म इंस्टॉल।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS उसका IPv4 और IP6 जिसके थ्रू आप आपका सिस्टम जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका IP दिखा रहा है वो वाया DHCP है। सो हम लोग इसको एक्सेस करके, हम लोग इसको यूज करके हमारा जो ESX है, होस्ट है जो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया है, उसको एक्सेस कर सकते हैं